मस्त, मेरे घर से निकलते ही ऑफ रोडिंग शुरू हो जाती है। चुटकी अपनी गाड़ी को पहचान ही नहीं पा रही है। वही है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं जा रहा हूँ हमारी बोलेरो का सेकंड सर्विसिंग करवाने, जो 10,000 किलोमीटर या एक साल के बाद होता है, जो भी पहले हो जाए। 10,000 तो नहीं हुआ है, बट एक साल हो गया है, तो अभी जा रहे हैं इसका सर्विसिंग कराने। ये फ्री सर्विसिंग होगा, लेकिन जो इसमें कंज्यूमेबल्स लगेगा, जैसे कि इंजन ऑयल वगैरह, उसके पैसे देने होंगे। अगर आपके पास बोलेरो नहीं, कोई भी व्हीकल है, तो ये वीडियो ज़रूर आपको थोड़ा हेल्प करेगी कि किस तरह से हमें सर्विसिंग करवाना चाहिए, किन बातों का। मस्त, मेरे घर से निकलते ही ऑफ रोडिंग शुरू हो जाती है। और ये जो गाड़ी है ना, इसी तरह के रोड के लिए एकदम, ये हर तरह के रोड के लिए एकदम परफेक्ट है। लुक जबरदस्त है। हम पहुंच गए महिंद्रा वर्कशॉप में, तो दिख रहा होगा, अरे हम घर के पास में ही है। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, रास्ते में है महिंद्रा का वर्कशॉप। अरे यार, हो गया पंगा। गाड़ी का इंस्पेक्शन हो रहा है कि क्या इसमें स्क्रैचेस वगैरह, डेंट वगैरह लगा हुआ है कि नहीं, क्योंकि जिस कंडीशन में गाड़ी ली जाती है, उसी कंडीशन में रिटर्न किया जाता है। गाड़ी जा रही, पहले उसका जो भी मैकेनिकल काम धाम है, ऑयल वगैरह चेंज वेंज होना, वो सब होना, वो सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद भी लेगी। सीट में भी ये प्रोटेक्शन के लिए लगा दिया गया है, स्टेयरिंग में भी लगाया गया है, आई डोंट नो वाई, मेरे ख्याल से दाग धब्बा ना लगे इसी के लिए लगा हुआ है, और इधर भी स्क्रैचेस वगैरह ना आए इसलिए इस तरह से ये लगा हुआ है। जिसको लोग यूरिया भी बोलते हैं। फिल्टर जो इंजन में चेंज हुआ है, ये आपका एयर फिल्टर हो गया, और फिर ये हो गया एसी का फिल्टर, ये कूलेंट हो गया, और ये हो गया आपका इंजन ऑयल, और यूरिया तो आपने देखा ही, डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल जो है वो भी रिफिल हो गया है। तो फर्स्ट सर्विस में ये सारी चीज़ें होती है, और अंदर वहाँ भी एक फ्यूल डला है ना, वो डिफरेंट है, डिफरेंशियल ऑयल और डीपी वाशर, और एक डीपी वाशर भी लगा है यहाँ पे। मोबिल का जो नट है वो वहाँ पे लगता है। लाइट वाइट भी प्रॉपरली चेक किया जा रहा है। जब
फ्यूल लीड का लीवर जो उधर खींचते हैं ना ड्राइवर सीट के पास, तो फिर ये खुलता नहीं है, इधर से भी खींचना पड़ता है। और हो गया, ठीक कर दिए आप। तो गाड़ी में लगभग सारा काम हो गया है, मैकेनिकल जो भी चीज़ें थी, ऑयल वगैरह, फिल्टर वगैरह सब कुछ चेंज हो गया है, बस धुलना बाकी है। लेकिन धुलने के पहले ये टेस्ट ड्राइव पे जा रही है गाड़ी, सो दैट कि ये पता चल सके कि जो भी काम इसमें हुआ है वो अच्छे ढंग से हुआ है। व्हील वगैरह सब कुछ, जो भी ब्रेक एवरीथिंग सब अच्छे ढंग से सब कुछ मतलब फिट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का कोई अनवांटेड नॉइज तो नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जब ये जो आदमी हमारे साथ हैं अभी जो ड्राइव कर रहे हैं वो एक्सपर्ट है इन सारी चीज़ों में, जब ये ओके कर देंगे तब ये गाड़ी चली जाएगी दूर। ये है या नहीं है? नहीं, ये वाली नहीं है। नहीं। गाड़ी का नंबर देखा आपने? यही है, यही है। नहीं समझ आ रहा है। चुटकी अपनी गाड़ी को पहचान ही नहीं पा रही है। यही है। वही है।